अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अब और कड़ी होगी राम मंदिर की सुरक्षा। आपको बता दें कि अयोध्या में तैनात होंगे एनएसजी के कमांडो, एनएसजी की यूनिट तैनात करने की तैयारी है। अयोध्या की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। अभी तक राम मंदिर की सुरक्षा में पीएससी कर्मी तैनात थे। पीएससी कर्मियों को हर 2 माह में बदला जाता है और राम मंदिर की सुरक्षा में लगी पीएससी की 8 कंपनी। यूपीएसएसएफ को दी गई पीएसी की 8 कंपनी, एटीएस की यूनिट भी अयोध्या में रहती है मौजूद। ये बड़ी जानकारी आपको यूपी के अयोध्या से इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर अब राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाएगी। ये बड़ी जानकारी जहां पर यूपी के अयोध्या में अब राम मंदिर की सुरक्षा को और कड़ा किया जाएगा, अब और कड़ी होगी राम मंदिर की सुरक्षा। अयोध्या में तैनात होंगे एनएसजी के कमांडो, एनएसजी की यूनिट तैयार करने की तैयारी हो रही है और इसी के साथ अयोध्या की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। अभी तक राम मंदिर की सुरक्षा में पीएसी कर्मी तैनात थे। पीएसी कर्मियों को हर 2 माह में बदला जाता है और राम मंदिर की सुरक्षा में पीएसी की 8 कंपनियां लगी हैं। यूएसएसएफ को दी गई है पीएसी की 8 कंपनियां, एटीएस की यूनिट भी अयोध्या में रहती है मौजूद। तो ये बड़ी जानकारी यूपी के अयोध्या से इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आपको बता दें कि अब और कड़ी होने जा रही है राम मंदिर की सुरक्षा। अयोध्या में देखिए अब एनएसजी के कमांडो तैनात रहेंगे, एनएसजी की यूनिट तैनात करने की तैयारी की जा रही है और अयोध्या की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, देखिए अयोध्या में और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, किस वजह से इस सुरक्षा को और टाइट किया जा रहा है, क्या कारण रहा? जी बिल्कुल, जैसा निशा जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अयोध्या राम मंदिर 22 तारीख के पास प्रतिष्ठा के बाद वहां पे देखा होगा आपने हर राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गवर्नर, प्रेसिडेंट डेली कोई ना कोई दर्शन करने आने आई रहे थे। साथ ही साथ कोई आम जनमानस को कोई दिक्कत ना, जो राम भक्त थे उनको दर्शन करने आते उनको कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर सेफ्टी सिक्योरिटी वहां पर पहले से ही पूरा अरेंजमेंट कराया गया था। उसी को देखते हुए अभी जैसा आपने देखा होगा कि इलेक्शन अभी दिन पास है उत्तर प्रदेश में, यूपी की जो सीट थी भारतीय जनता पार्टी की कम आई, तो राम मंदिर पे वैसे भी 2 बार धमकियां भी आ चुकी है बम उड़ाने की। इसी सबको लेके वहाँ पे अयोध्या के जो प्रशासन द्वारा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो सिक्योरिटी पुलिस है वो सब बहुत एनएसजी की यूनिट जो अयोध्या में तैनात कर रही, पहले भी तैनात थी। अब ऐसे बताया जाएगा आपको कि सूत्रों के हवाले से खबर चली है कि एनएसजी की यूनिट अयोध्या में तैनात करने की तैयारी की जा रही है और सूत्रों का यह भी कहना है कि अयोध्या की सुरक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए ब्लैक कैट कमांडो तैनात किए जाएंगे। साथ ही साथ केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद फैसला हो सकता है, अभी फैसला हुआ नहीं है। और अभी तक राम मंदिर की सुरक्षा में जो तैनात थे पुलिसकर्मी वो हर 2 माह में बदले जाते थे। अब अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा में पीएससी की 8 कंपनी, यूपीएसएसएफ और उसको भी तैनात किया गया। साथ ही साथ एटीएस की यूनिट भी वो भी अयोध्या में मौजूद रहती थी और मौजूद रहेगी। प्रशांत, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि कब तक एनएसजी के कमांडो तैनात कर दिए जाएंगे? बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द, जैसे ही ऊपर से संवेदनशीलता को देखते हुए वहाँ सुरक्षा की अथॉरिटी मिल जाएगी, तुरंत से तुरंत यूपीएससी और एनएसजी कमांडो साथ ही साथ 8 कंपनियां यूपीएससी को जो है वो तुरंत से तुरंत तैनात की जाएगी, जल्द तैनात कर दी जाएगी केंद्र सरकार के मंजूरी के बाद। प्रशांत, तो क्या ये पूरी जिम्मेदारी, सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अब एनएसजी कमांडो के कंधों पर होगी? जी बिल्कुल, जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8 कंपनियां जो यूपीएसएसएफ को दी गई थी अब उसको एटीएस की यूनिट भी अयोध्या में मौजूद रहेगी और जब एनएसजी की यूनिट अयोध्या में तैनात करी जाएगी तो पूरी कमान एनएसजी के ही उसमें रहेगी। अभी सूत्रों का कहना यह भी है कि सुरक्षा के संवेदनशीलता को देखते हुए किया गया था, साथ ही साथ एनएसजी के साथ ही साथ जो ब्लैक कैट कमांडो है वो भी तैनात किए जाएंगे। पर अभी केंद्र सरकार के द्वारा जब मंजूरी के फैसला हो जाएगा तो फैसले के बाद ही राम मंदिर की सुरक्षा को ये पुलिस कर्मियां हैं उनके साथ साथ एनएसजी कमांडो साथ ही साथ ब्लैक कैट कमांडो भी तैनात किए जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।